गंगधार थाने के चौमेला कस्बे में गंगधार क्रय विक्रय समिति की दुकानों में एक साइकिल पंचर की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। विशेष बात यह है कि चोर लगातार टायर ट्यूब और पंचर की दुकानों को निशाना बना रहे हैं। एक माह में यह तीसरी चोरी की घटना है। मोटरसाइकिल साइकिल टायर ट्यूब की दुकान में चोरी की। बिलावली रोड पर भी एक माह पहले दो मोटरसाइकिल के सामान विक्रेताओं की दुकान में चोर हजारों रुपये की चोरी कर चुके हैं। झालावाड़ जिले के प्राचीन तीर्थ काया वर्णेश्वर महादेव के डग विधानसभा क्षेत्र के डग तहसील से मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित उत्तर दिशा में डग भवानी मंडी मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक एवं प्राचीन श्री काया वर्णेश्वर महादेव तीर्थ क्यासराज प्रकृति की गोद में ओमकार आकार लिए छत्रसाल एवं बेरीसाल नामक दो पर्वतों के बीच स्थित तीर्थ प्रत्येक तीर्थयात्री को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं और दर्शन का लाभ उठा अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। करीब 5000 वर्ष से अधिक प्राचीन मंदिर महाभारत कालीन पांडव के समय का है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र जन्मजय द्वारा यह मंदिर निर्मित है। यहाँ राजा जन्मजय की कायाकल्प हुई थी, तभी से इसका नाम काया वर्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माँ दुर्गा का भव्य मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है, जहाँ श्रद्धालु भावपूर्वक माँ से मन्नत मांग अपनी झोली भरते हैं। पास ही दक्षिण की ओर पर्वतमाला उठाते हुए हनुमान मंदिर बना हुआ है, जो प्रतिमा करीब 32 फीट ऊँची है। पास ही नवनिर्मित शनि ग्रह मंदिर बना हुआ है, जो कि आसपास क्षेत्र से दर्शनार्थी शनि दर्शन कर शनि उतारा भी पाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। काया वर्णेश्वर महादेव मंदिर पर वैदिक वेद विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। अध्ययनरत बालकों को धर्म, संस्कृत एवं वेद पाठ की वैदिक शिक्षा देने की व्यवस्थाएं हैं। शिक्षार्थियों को निःशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था है। मंदिर समिति द्वारा बताया गया कि सुचारू रूप से अखंड रामायण एवं अखंड ज्योत चलती ही रहती है। सिर्फ गेस्ट हाउस की कमी महसूस होती है। प्रशासन इस ओर ध्यान देवे तो यह स्थल पर्यटक स्थल बनने में कोई कमी नहीं रखता है। क्यासराशाला प्रबंधक राजेंद्र जैन ने बताया कि यहाँ पहली बार शिक्षक संघ की ओर से निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर 21 मार्च को लगाया जाएगा, जो समय पर पहुंचकर लाभ लेंगे। मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील से 20 किलोमीटर दूर प्राचीन धर्मराजेश्वर में शिवरात्रि पर पहली बार मेला नहीं लगेगा। कोविड-19 के चलते शासन ने मेला निरस्त कर दिया है। हालांकि शिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर पर कोविड-19 का पालन करते हुए दर्शनार्थी दर्शन कर पाएंगे, लेकिन प्रशासन ने मेला निरस्त कर दिया है। साथ ही रात्रि विश्राम पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि हर साल धर्मराजेश्वर के शिवरात्रि पर 3 दिन का विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 2 लाख दर्शनार्थी पहुंचते हैं। यहाँ की विशेषता है कि धर्मराजेश्वर में शिवलिंग एवं विष्णु की मूर्ति है, वहीं भीम व बौद्ध गुफाएं भी यहाँ पर है। मान्यता है कि यहाँ पर महाभारत के समय पांडवों ने अपना वनवास के समय का काल बिताया था। तब यहाँ एक ही पत्थर को कोर कर मंदिर एवं 200 से अधिक गुफाएं बनाई गई थी। मान्यता है कि एक ही रात्रि में इस मंदिर में गुफाएं को बनाई गई थी। यह मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसका शिखर पहले बना, बाद में मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर में सूर्य की पहली किरण प्रवेश करती है। अभी जो कोविड की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके कारण जो धर्मराजेश्वर का मेला है वो प्रशासन की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। वहाँ पे जो धार्मिक आयोजन होते हैं वो किसी प्रकार के आयोजन नहीं होंगे, ना ही वहाँ पे कोई दुकानें लगेगी, ना ही कोई झूले लगेंगे, ना ही कोई खाद्य सामग्री की दुकानें लगेगी। कुछ दर्शनार्थी आएंगे, वो सिर्फ दर्शन करेंगे। रात में रुकने की जो वहाँ पे व्यवस्था है वो भी नहीं होगी। रात में कोई वहाँ पे रुकेगा नहीं, सिर्फ दर्शनार्थी आएंगे, वो दर्शन करेंगे और जाएंगे। वहाँ पे हर वर्ष की तरह जो दुकानें लगती है वो दुकानें नहीं लगेगी वहाँ पे। शामगढ़ जिले के चंदवासा धर्मराजेश्वर में मधुमक्खी के हमले से दर्जन भर श्रद्धालु घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सभी को शामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। चंदवासा चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्री का कहना है कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, किसी प्रकार का कोई मधुमक्खी का हमला नहीं हुआ है। कुछ लोग पास की गुफाओं में गए थे, जहां मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने के बाद लोगों को काटा था, जिन्हें शामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। लोग मंदिर परिसर में दर्शन कर रहे हैं। शामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र BMO मनीष दानगढ़ के अनुसार 9 महिलाओं व बच्चों को मधुमक्खी के डंक लगे थे। 4 बच्चे थे जिनमें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, वही उन्हें इंजेक्शन व मेडिसिन भी दे दी गई है। कोई अव्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता था जो मेले से पहले हमने हटवा दिया है। यहाँ पर बुद्ध की गुफाएं हैं, वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। पुरातत्व विभाग के अधीन है वो,
वहाँ पे जंगल में कुछ मक्खियाँ थी जिन्होंने एक दो भक्तों को काटा है, जिनको शामगढ़ अस्पताल भेज दिया है। यहाँ पे कोई अव्यवस्था नहीं है, मंदिर परिसर में शांति से सब दर्शन कर रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से मतलब मधुमक्खियों ने हमला किया है, क्या मामला है पूरा? तो पुरातत्व विभाग के अंडर में जो बुद्ध गुफाएँ आती है वहाँ पर लोग गए थे, तो उसके आगे कुछ मक्खियाँ थी, उनमें से कुछ मक्खियों ने दो चार लोगों पर हमला किया था। उन लोगों को घायलों को जो एम्बुलेंस से शामगढ़ अस्पताल भिजवा दिया है। बाकी मंदिर परिसर में कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है, सब भक्त खैरियत से दर्शन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर धर्मराजेश्वर का नज़ारा, यहाँ पर बहुत ही शानदार वातावरण है और किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं है और मामला पूरा ही शांत है और अफवाहों पर ध्यान ना दें और यहाँ पर पूर्ण रूप से शांति है। और सभी भक्तजनों से निवेदन है कि वो किसी भी प्रकार की अफवाहों से सावधान रहें। हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर समाज के हर वर्ग के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। डॉक्टर यश पामेचा MBBS MS MCH यूरोलॉजी, गुर्दा प्रोस्टेट पथरी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर त्रिशांक धाकड़ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है रेलवे स्टेशन रोड मंदसौर, संपर्क सूत्र 8349049222 0742222100 400500242526। अत्याधुनिक दूरबीन तकनीक से घुटने कुल्हे के सफल उपचार की सुविधा उपलब्ध। उपलब्ध सुविधाएं, परामर्श, सभी जांच, भर्ती, ऑपरेशन। पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, यूरोलॉजी संबंधी ऑपरेशन में दक्षता, लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, मूत्र नली की रिकंस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, एंडो यूरोलॉजी दूरबीन के ऑपरेशन, स्त्रियों में यूरोलॉजी ऑपरेशन, बच्चों के यूरोलॉजी ऑपरेशन, एंड्रोलॉजी पुरुष संबंधी रोग, यूरोलॉजिकल कैंसर सर्जरी। डॉक्टर यश पामेचा MBBS MS MCH यूरोलॉजी, गुर्दा प्रोस्टेट पथरी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। अत्याधुनिक ऑपरेशन सुविधा, हमारी विशेषताएं विश्व स्तरीय अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक ICU, आधुनिक क्रिटिकल केयर सुविधा, सर्व सुविधा युक्त जनरल वार्ड, आधुनिक व कारगर सर्विस एवं सभी अत्याधुनिक हेल्थ केयर सुविधाओं से युक्त। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए संपर्क करें पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मुंबई की सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट अब मंदसौर शहर में उपलब्ध, पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। क्या आप किडनी स्टोन प्रोस्टेट की बीमारी, यूरिन में रुकावट, जलन या खून आने से परेशान हैं? अत्याधुनिक दूरबीनों एवं लेजर द्वारा सबसे सटीक एवं उत्तम उपचार अब मंदसौर शहर में उपलब्ध। डॉक्टर यश पामेचा MBBS MS MCH यूरोलॉजी, गुर्दा प्रोस्टेट पथरी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, किडनी स्टोन PCNL MINI PERC यूरेटन स्टोन URSL ब्लाडर स्टोन PCCL SPCL। उपलब्ध सर्जिकल सुविधाएं, किडनी ब्लाडर एवं प्रोस्टेट कैंसर की जटिल शल्यक्रिया, नेफ्रोक्टोमी सिस्टेक्टोमी प्रोस्टेक्टेक्टोमी पेशाब नली में सिकुड़न VIU यूरेथ्रोप्लास्टिस। परामर्श समय रोजाना दोपहर 12 से 3 बजे तक। यदि आप इनमें से किसी समस्या से परेशान हैं तो तुरंत संपर्क करें डॉक्टर यश पामेचा MBBS MS MCH यूरोलॉजी, गुर्दा प्रोस्टेट पथरी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। मूत्र त्याग करते समय जलन और दर्द, मूत्र में खून आना, रात में बार बार पेशाब आना सहित प्रोस्टेट से जुड़ी सभी समस्याओं का उपचार और निदान प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 बजे तक। फिगर 13 वर्षों से समय के हर वर्ग की चिकित्सा प्रदान करने वाला हॉस्पिटल पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। उपलब्ध सुविधाएं,
सर्व सुविधा युक्त मल्टी स्पेशलिस्ट एसी हॉस्पिटल, यूरो सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, सिटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे, डायलिसिस, गुर्दे की बीमारी हेतु सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं डिलीवरी की सुविधा, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी, कलर डॉपलर, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी, NICU, ICU, EEG, ECG, संपूर्ण टीकाकरण, 24 घंटे आपातकालीन सेवा, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान सुविधा, जहां हर प्रकार की बीमारी हेतु सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर उपलब्ध है। संपर्क सूत्र, हमारा पता है रेलवे स्टेशन रोड मंदसौर, हमारा मोबाइल नंबर है 07422000 4005002425267610400500। डॉक्टर त्रिशांक धाकड़, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, उपलब्ध सुविधाएं, हड्डी रोग संबंधित संपूर्ण इलाज की सुविधा, सभी प्रकार के फ्रैक्चर, पुराने बिगड़े ऑपरेशन, घुटना व कुल्हा प्रत्यारोपण, गठिया रोग व ऑर्थराइटिस, कमल दर्द व साइटिका, स्पाइन सर्जरी, ऑर्थोस्कोपी, नवजात शिशु के टेढ़े पैर को प्लास्टर द्वारा सीधा करना, सभी ऑपरेशन आयुष्मान सुविधा के अंतर्गत करना, इंश्योरेंस सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध। पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, घुटने, कंधा एवं कुल्हे के विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर त्रिशांक धाकड़, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ। यदि आप इनमें से किसी समस्या से परेशान हैं, तो तुरंत संपर्क करें। कुल्हे एवं घुटने के रिप्लेसमेंट हेतु परामर्श, अत्याधुनिक जर्मन प्रेसिनल जॉइंट, जिसके लगने से आप पालथी लगाकर बैठ सकते हैं। अगर किसी मरीज का पूर्व में ऑपरेशन किया जा चुका है एवं संतुष्ट नहीं है, तो पुनः परामर्श कर सकते हैं। हमारा पता है पमनानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रेलवे स्टेशन रोड मंदसौर। संपर्क सूत्र 8349049222, 07422221004005002425262 चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। छोड़ के मत दाओ एक लीर बन जारा रे, बन जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब जाओ, साहेब ने महल बनाई बन जा रहा रे, बन जा रहा रे। हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ, छोड़ के मत दाओ एक नीर बन जा रहा। We're gonna make it.